नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज मैं एसके त्रिपाठी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो हमारे पेड ग्रुप्स की टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस के लिए, उसका टेस्ट नंबर 20 डिस्कशन करेंगे अपन यहां पर डिस्कस करेंगे, जो बाइलिंगुअल होगा। और अगर आप भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और महत्तम लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके आप डिटेल जान सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम अपने टेस्ट के पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द गुजरात सभा लेड बाय गांधी प्लेड अ लीडिंग रोल इन द, ठीक है, तो ये जो आपका खेड़ा में सत्याग्रह किया था, जो किसान सत्याग्रह बोला जाता है ना, गांधी जी के इंडिया वापस आने के बाद, तो ये खेड़ा से रिलेटेड है। इसका आंसर जो होगा आपका खेड़ा, आपको पता होगा कि 1918-19 में ये खेड़ा में आपका क्या हुआ था, जो आपका किसानों का सत्याग्रह बोला जाता है इसको, ठीक है, विद्रोह शब्द लिखा है वो गलत है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अपन, महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना, कंटेक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये पंडिता रमाबाई है, ठीक है, और ये जस्टिस रानाडे की वाइफ थी, ठीक है, इन्होंने जो महिला आर्य समाज की स्थापना की थी, तो इसका आंसर आपका पंडिता रमाबाई हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, थर्ड नंबर का, और इसमें पूछ रहा है कि जो भारतीय पुनर्जागरण था, मतलब द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, राममोहन राय डाइड, ठीक है, इन स्टेपलेटन में उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु का कारण क्या था। इनकी मृत्यु जो हुई थी 27 सितंबर 1833 में हुई थी, तो जो इनको रोग हुआ था वो मेनिनजाइटिस है, ठीक है, मेनिनजाइटिस है, जो मतलब मस्तिष्क और अपने जो बैकबोन होती रीढ़ की हड्डी उस पर ये वायरल संक्रमण के कारण वो उसको क्या करती है, उस पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है, तो मेनिनजाइटिस के कारण उनका क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, यहाँ बुक्स के नाम है और एक तरफ उनके ऑथर्स के नाम है, और अपने को उसको मतलब करेक्टली मैच करना है, तो सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट और नम्बूदरी पाद और महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी जी की जो बुक है वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ है, आपको पता है ना ये चीज, तो डी का वन देखिए कहां पर है, ए में है, इसका आंसर ए ही होगा। सरोजिनी नायडू जी की जो बुक थी उनका नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड, एनी बेसेंट ने जो बुक लिखे था वो वेक अप इंडिया, आपको होम रूल मतलब होम रूल इंडिया के बारे में, आपको मूवमेंट के बारे में पता होगा। और जो ईएमएस नंबूदरी पाद थे उन्होंने लिखा था जो किताब, उसका नाम था क्राइसिस इनटू चाओस, ठीक है, तो ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, इसमें नंबूदरी पाद जी के बारे में स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट उसमें से सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है बोल रहे हैं कि ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन केरला, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो लिखा है कि ही बिकेम द फर्स्ट नॉन इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब नॉन आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस चीफ मिनिस्टर इन द इंडियन रिपब्लिक, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, जो 1957 में ये पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो आईएनसी मतलब कांग्रेस के अलावा बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं भारत देश में, और उन्होंने महात्मा गांधी को हिंदू मतलब फंडामेंटलिस्ट बोला था, ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है, फंडामेंटलिस्ट का मतलब वो है कट्टरपंथी जो है बोला जा सकता है, लेकिन ये वर्ड एक्यूरेट नहीं है। तो 1, 2, 3 इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो गया 1, 2, 3, 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, और इसमें बोला गया है कि द मॉडरेट लीडर्स लेफ्ट द कांग्रेस पार्टी आफ्टर द लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, और फिर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, मतलब स्थापना की थी, खोजा था उसको, उसका नाम क्या था, तो भैया उसका नाम था इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। क्या नाम था उसका, मतलब इंडियन नेशन लिबरल फेडरेशन, है ना, लिबरलिस्ट अप्रोच के लिए इंडियन लिबरल फेडरेशन बोला गया था। और ये 1919 की बात है, इसमें एसएन बनर्जी जी थे और शप्रू जी थे, श्रीनिवास शास्त्री और एमआर जयकर ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, ठीक है, तो उसका नाम इंडियन लिबरल फेडरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें कम्युनल जो अवार्ड है जो 1932 की घटना थी, तो महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक जो पंचाट बोला जाता है मैकडोनल्ड के टाइम का है ये, तो 1 अगस्त 1932 को उन्होंने आमरण अनशन किया, ये आपको पता होगा, तो वो किस मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरल वाली जो वो फूट डालो और शासन करो और एकता ना होने पाए हमारे भारत देश में, तो जो 1909 से कंटिन्यूएशन में थी, तो वो लास्ट में आके दलितों तक भी आ गया, तो वो दलितों के खिलाफ था, है ना, तो ये जो सांप्रदायिक पंचायत में उनको सेपरेट इलेक्टोरल दिया जा रहा था, उनका उसका प्रावधान किया जा रहा था कि पृथक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा उनके लिए, तो इसका विरोध कर रहे थे महात्मा गांधी, बाद में फिर पूना पैक्ट वगैरह भी होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा दलित होगा, डिप्रेस क्लास बोला जाता है, हिंदी में शोषित लिखा है, आप इसको दलित से समझिएगा ना, हरिजन वगैरह आपको याद होगा, हरि के जन, है ना,
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सेवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th नंबर का है, और इसमें बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जी के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, तो भैया बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला है वो बोला जा रहा है कि जो बीजी तिलक ने मतलब उनको बुलाया था, निर्देश दिया था, तभी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कौन? जनवरी 2000 मतलब 1915 में लौटे थे ये, उसी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना, आपको पता होगा। तो ये किसके रिकमेंडेशन से आए थे, किसके इंस्ट्रक्शन से? तो भैया उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके मतलब निर्देश पे आए थे। तो पहला आप स्टेटमेंट गलत करिए, दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए, सही पूछ रहा था। दूसरा ये कि गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था, जिसके सदस्यों ने रॉलेट एक्ट की अवज्ञा करने का संकल्प लिया था। तो बिल्कुल सही बात है, आपको रॉलेट एक्ट के बारे में पता होगा, और वही है ये, और जो रॉलेट बिल के खिलाफ अभियान शुरू किया था उन्होंने, और 1919 में जो बॉम्बे में सत्याग्रह सभा की स्थापना की, और फिर एंटी रॉलेट सत्याग्रह ने अपना आवेग खो दिया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो ऑनली टू, इसका 8 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वन देखेंगे, 9th नंबर का है, माउंट एटना से रिलेटेड है, वॉल्केनोज वगैरह आपने पढ़ा होगा, और माउंट एटने जो है इटली में सबसे ऊंची चोटी है ना, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। तो बिल्कुल सही बात है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर है 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th नंबर का, सिख रिलीजन के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, और बोला गया है कि भैया सही स्टेटमेंट को बताइए कौन सा सही है। तो पहला लिखा है कि फाउंडर कौन थे सिखिज्म के, गुरु नानक थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा लिखा है कि गुरु अमरदास थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, जो गुरुमुखी लिपि है ना, स्क्रिप्ट है उसको, तो देखिए ये गलत है, ये अंगद जी ने किया था, गुरु अंगद ने, और लंगर को जो संस्थागत रूप दिया था वो अमरदास थे। तो तीसरे में लिखा है गुरु अंगद ने लंगर को संस्थागत रूप दिया, तो ये दोनों ना उल्टा लिखा हुआ, बाकी सब सही है। तो दूसरा और तीसरा एलिमिनेट कर दीजिए, ओनली वन सही है, इसका आंसर हो गया आपका 10th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, इसमें चौथ और सरदेश मुखी के बारे में मतलब स्टेटमेंट दिया है, आपको पता है ना मराठा, तो शिवाजी ने जो टैक्सेशन का अपना स्ट्रक्चर बना रखा था, चौथ और सरदेश मुखी है ना, ठीक है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है, इट वॉज इम्पोज्ड लिवाइड इन द स्वराज्य लैंड, मतलब स्वराज भूमि में लगाया जाता था, ठीक है। और दूसरा, इट वॉज स्टार्टेड बाय शिवाजी, ठीक है। तो आपका क्या है इसमें, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल क्या है, ठीक है, शिवाजी के प्रशासन का था, लेकिन जो पहला वाला है वो गलत है, क्योंकि ये दोनों जो आपके हैं ना वो दोनों अलग अलग टैक्सेस है, ठीक है। आपको पता भी होगा कि जो देश के बाहर लगाए जाते थे स्वराज भूमि पे, और इन पर मराठा क्षेत्रों के आसपास जो मुगल साम्राज्य था, दक्कन साम्राज्य था, उनकी भूमि पे लगाया जाता था, ठीक है। और मुगल सम्राट को दिए गए करों पर चौथ, ठीक है, मतलब 1/4 लिया जाता था, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें, इसलिए स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली टू, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12th नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसमें पूछा है कि राज्य की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ठीक है, डलहौजी वाला आपको याद होगा, तो उसमें किसको किसको मतलब उसमें संलग्न किया गया था। तो सतारा को किया गया था, झांसी है, नागपुर है, अवध नहीं था इसमें, ठीक है, वो तो सहायक संधि में सबसे पहले उसको मिला लिया गया था, आपको पता, ABBS मतलब अवध बंगाल पेशवा, ठीक है। तो 4th को आप एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी तीनों सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। 12th का आपका हो गया क्या, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, और ये 13th नंबर का क्वेश्चन है कि 1793 में बंगाल और बिहार में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवेलिस हैं आपके, और ये 1793 की बात है, आपको पता होगा है ना, रहा महलवाड़ी सुना होगा आपने, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी है ना ये, मतलब आपका रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर हो गया, 13 का बी हो गया, लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, ठीक है, क्लाइव नहीं है, बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया। 7 जो आपका परमानेंट सेटलमेंट था वो किसने लागू किया था 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसमें जॉन शोर वगैरह का भी नाम आता है, आप कॉर्नवालिस का नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14th नंबर का, इसमें बोला है कि पहली बार जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव मतलब काउंसिल थी, सेंट्रल काउंसिल, उसके चुनाव के लिए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल किसके द्वारा, तो आपको पता है मॉरले मिंटो था आपका, कौन सा, 1909 वाला कंटेक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो गया ए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड फिर उसके बाद आएगा, फिर इस चीज़ को वो कंटिन्यू भी करेंगे। और निम्नलिखित में से कौन जो इंटरिम गवर्नमेंट थे उसके आपके डिफेंस मिनिस्टर थे मतलब रक्षा मंत्री थे, तो ये बलदेव सिंह जी थे,
ठीक है। और अगर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें अपन, तो वो एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड मंत्री थे, और वल्लभ भाई पटेल जी की तो वो गृह सूचना और प्रसारण, और जवाहरलाल जी को देखें तो मतलब विदेश मामलों, सामान्य धन संबंधों और कार्यकारी परिषद के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो इसका आंसर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th नंबर का, और इसमें पूछ रहा है कि जो 1937 के इलेक्शंस हुए थे है ना, जो प्रोविंशियल आपकी असेंबलीज थी उसके लिए स्टेटमेंट दिया, बोला कौन सा सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है इसमें लिखा है कि द कांग्रेस पार्टी गॉट अ मेजोरिटी इन ऑल प्रोविंसेस एक्सेप्ट इन सिंध रीजन। तो ऐसा नहीं है सिंध प्रांत को छोड़ के कि सभी प्रांतों में उसको बहुमत मिला था, लार्जेस्ट पार्टी के रूप में थी लेकिन बहुमत सब में नहीं मिला था। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ये आप एलिमिनेट कर दीजिए। पूछा कौन सा सही, दूसरे में बंगाल, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट मतलब फ्रंटियर में जो आपका कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो ये ठीक है आपका। ठीक है, और जो अगर आप बात करें अपन, तो इसमें मुस्लिम लीग को भी कुछ जगह मतलब 11 प्रांतों में टोटल चुनाव हुआ था है ना, तो उसमें मैक्सिमम में कांग्रेस को और कुछ में आपको मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी। तो आपका ओनली 20 का आंसर हो जाएगा, ओनली 2 हो गया। ठीक है बी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17th नंबर का, और इसमें आपको क्रोनोलॉजिकली करेक्ट करना है। ठीक है, मतलब कि क्रोनोलॉजी में कौन सी घटना पहले हुई है बाद में हुई है। तो पहला भगत सिंह जी की फांसी, ये तो आपको याद होगा 1931 है, ये 23 मार्च, तो ये आपका 1931 हो गया। और फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये आपको 24-25 का हो गया। भगत सिंह आज़ाद और राजगुरु द्वारा सांडर्स की हत्या जो है ये आपका 1927 हो गया, तो आपका क्या हो गया। और उसके बाद चटगांव जो शस्त्रागार आपका छापा था, ठीक है ना, तो ये अप्रैल 1930 की घटना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या हो गया, मतलब एचआरए हो गया। ठीक है, तो देखिए 2 कहाँ पर है सबसे पहले, और सबसे लास्ट में आपको हो जाएगा 31 वाला भगत सिंह की। तो सबसे पहले आपका 2 और सबसे पहले लास्ट, और उसके बाद एचआरए, और उसके बाद मतलब 2 के बाद आपका हो जाएगा क्या, 3, और 3 के बाद आपका 4, और उसके बाद आपका सबसे लास्ट में 1। तो ए आपका आंसर हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18th नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसमें पूछा है कौन सी फसल जो है आपकी खरीफ क्रॉप है। तो चावल, गेहूं, काबुली चने, बाजरा, सोयाबीन। देखिए गेहूं और काबुली चने को आप एलिमिनेट कर दिए, ये तो रबी की क्रॉप्स है, तो 2 और 3 आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो 1, 4, 5 चावल, बाजरा और सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो गया आपका ए 18 का। काली मिट्टी के बारे में स्टेटमेंट है, और बताना है कि कौन से इसमें स्टेटमेंट सही है। तो पहला यह है कि इसमें नमी की अत्यधिक मात्रा होती है, मॉइस्चर होता है, मतलब रिटेंटिव, मतलब हाईली रिटेंटिव और मॉइस्चर होता है, बिल्कुल ठीक है। ये एक मृदा समूह है जो प्रायद्वीपी के जो आपके हॉट एंड वेट रीजन है ना पेनिनसुला के, ठीक है ये वाले वहाँ पे पाई जाती है पेनिनसुला के। तो ये मिट्टी है कपास की फसल, तंबाकू, अरंडी, सूरजमुखी आदि के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें कि तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें कैच है आपका। ठीक है, बाकी जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो ये मृदा समूह है ना वो प्रायद्वीप के शुष्क गीले भाग और गर्म क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नहीं है, ये जो इसकी जोग्राफिकल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वाइज दिया वो गलत है आपका। ठीक है, आपको पता होगा ना मालवा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब काली मिट्टी जहाँ पर कपास की खेती वगैरह होती है। तो दूसरा आप एलिमिनेट कर देते तो सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, और यहाँ पर पहाड़ियाँ दी गई हैं और उसका क्षेत्र दिया है, बताया कि भैया कौन सा करेक्टली मैच है। तो कार्डमम, कोरोमंडल, ये गलत है। कैमूर जो है आपका कोंकण, ये भी गलत है, ये मध्य भारत की है। और महादेव पहाड़ी जो है ये मध्य भारत सही है। मिकिर जो है नॉर्थ ईस्ट में। तो 3 और 4 करेक्टली मैच्ड है, तो सी आंसर हो गया 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो अपना पेनिनसुलर रिवर्स है, प्लेट्यू है, जो उसमें कौन सी मतलब जो घाटी मतलब नदी है वो उत्पन्न नहीं होती, मतलब प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी नदी पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती है। तो वैगई है, कावेरी है, कृष्णा है, महानदी। देखिए महानदी को आप छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ में है ये, सिहावा के पास दंडकारण्य के नॉर्दर्न पार्ट में ये मतलब वहां से उत्पन्न होती है। तो बाकी ये जो तीनों है, वैगई है, कावेरी है और कृष्णा, ये तीनों की तीनों आपकी क्या है, पश्चिमी घाट में ही उत्पन्न हो रही है। तो इसका डी आंसर हो गया 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, और 21st नंबर का क्वेश्चन अपन कंटिन्यू करेंगे। और इसमें लिखा है कि गंगा की कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो तिब्बत में निकलती है, और ये मतलब ऐसा बोला जाता है कि एंटीसीडेंट रिवर है। किसके, ये एक एंटीसीडेंट है। तो यमुना हो नहीं सकती, घाघरा हो नहीं सकती, रामगंगा, ये गंडक है आपकी। ठीक है, ये तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर के पास से निकलती है, तो सी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, 23rd नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ATP, आपको पता होगा ना एडिनो ट्राई फॉस्फेट और एडिनो ड्राई फॉस्फेट जो होता है। और दूसरा ये कि ATP से ADP जो
ATP है एक वर्ड और एक है ADP। साइंस वाली जो MCQ की सीरीज है उसमें अपन ने कई सारे क्वेश्चंस और डिटेल में ये कंसेप्ट को क्या किया है, कवर किया है। तो ATP से ADP जो बायो ट्रांसफॉर्म मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। इसका आंसर हो जाएगा सी, कंटेक्चुअल है, देख जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24th नंबर का, और रेबीज के बारे में इसमें स्टेटमेंट दिया, पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो आपको पता होगा रेबीज। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि इसका जो मतलब पुराना नाम था वो हाइड्रोफोबिया, बिल्कुल ठीक बात है। और ये एक वायरल बीमारी है जो कंकाल और प्रणाली को प्रभावित करती है। देखिए यहीं पे कैच है, कंकाल नहीं है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। तो 24th का आपका आंसर हो गया क्या, ए हो गया, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट वन देखेंगे, 25th नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है कि जो डेंगू वायरस होता है वो एडीज एजिप्टी द्वारा बिल्कुल फैलता है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा फैलता है जिसमें से मादा एनोफिलिस वाहक होती है, और तीसरा जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है वो क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, मतलब उसका वेक्टर है वो क्यों उसके द्वारा प्रेषित किया। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, कंटेक्चुअल है, आपको पता होगा। ए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड आपका 3, ठीक है। 25th का क्या आंसर हो गया आपका, ए हो गया, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। अब नेक्स्ट वन देखेंगे, 26th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये जो इंडेमिक होता है, एपिजूटिक, मतलब एपिजूटिक जूनोटिक डिजीज वगैरह आपने सुना होगा, पैंडेमिक और एपिडेमिक। तो देखिए एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या होता है, पैंडेमिक जो होता है ना पूरे विश्व स्तर पर, मतलब अगर कहीं किसी रीजन विशेष में कोई हुई बीमारी, फिर वहां से निकल के फिर वो क्या हो जाएगी, वैश्विक स्तर पे भी उसका क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, उसको पैंडेमिक बोलते हैं। और एपिडेमिक तब तक बोलते हैं उसको जब तक वो किसी विशेष क्षेत्र में होती है, ठीक है, और बड़ी संख्या में होती है, और उससे मतलब आदमी को बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही होती है। जैसे आपने सुना ही होगा ये जो आपका जितनी भी सारी बीच में आपको जीका के बारे में सुनाई दिया गया होगा, है ना। तो आप अब उसको रिलेट करिएगा कि वो एपिडेमिक था कि पैंडेमिक था, एपिडेमिक है, इंडेमिक है, क्या है वो, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आप पैंडेमिक की डेफिनेशन देखिए कि एक मानव रोग जो पूरी दुनिया या एक बड़े क्षेत्र, तो सी का आपका 4 हो गया। देखिए सी का आपका 4 हो गया, और आपका डी जो है एपिडेमिक जो बोल रहा है इसमें, ठीक है, जो एपिडेमिक बोल रहा है, मतलब डी का जो आपका आंसर होगा वो 3 होगा, क्योंकि ये एक विशेष समुदाय में एक ही समय में होने वाली विशेष बीमारी के मामलों में एक बड़ी संख्या है, ठीक है। तो आपका डी का 3 हो गया और सी का आपका हो गया 4। देखिए किसमें 4 और 3, तो ए में है। और इंडेमिक आपको पता है, इंडेमिक मतलब नाम से भी आ रहा है कि एक बीमारी जो नियमित रूप से एक विशेष स्थान के लोगों के लिए। और एपिजूटिक जो है ये जानवरों से रिलेटिक है, आप वैसे भी उसको समझ जाते जो इसका सफिक्स लगा हुआ है जूनोटिक डिसीज से, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया आपका ए। नेक्स्ट वन देखेंगे, 27th नंबर का क्वेश्चन है कि जो MDH मसाला वेरियंट में एक मतलब जानने के लिए एक मतलब परीक्षण किया गया था, उसमें जो सॉलमेना जो आपका विषाक्तता पॉइजनिंग का कारण होता है वो लिंक्ड है किससे, कंटामिनेटेड वाटर और फूड से। तो जो सैलोमिनेला जो बैसिली होते वो हो है क्या, आपको सबको पता है ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। 27 का जो आंसर है वो ए होगा, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट वन देखेंगे, 28th नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी में अगर आर्थिक मंदी के मामले में अर्थव्यवस्था का अगर पुनरुद्धार करना है, ठीक है, अगर स्लो डाउन चल रहा है, तो ऐसे कौन से पॉसिबल रेमेडीज हैं जो रिवाइवल के लिए अपनाए जा सकते हैं। तो पहला ये कि GST कम करना, दूसरा है पुनर्जीवित मांग, तीसरा है संप्रधान क्षेत्रों को ठीक करना। संप्रधान समझ में आ रहा है, फिक्स जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो टेक्सटाइल वगैरह हो गया, ठीक है। लिक्विडिटी बूस्ट करना, बिल्कुल ठीक है। रिकग्नाइज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, तो जितने भी आपके मेजर्स दिए गए ना इनको लेकर रिवाइव किया जा सकता है। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी दिवस जो है आपको पता है 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो भैया 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से भारत में हिंदी बोलने वालों का परसेंटेज कितना है, तो ये 43.6% है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 29 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30th नंबर का, ISS से रिलेटेड है ये, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई साहब, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में ग्वाल पहाड़ी में है, ठीक है। तो ISS जो है सौर ऊर्जा की तीव्र और बड़े पैमाने पर तैनाती के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान के लिए एक वैश्विक पहल है। दूसरा जो है कि इसमें जो पलाऊ है वो 76 नंबर का देश बन गया, और जो 79th का है वो ग्रेनेडाइंस भी शामिल हो गया इसमें, ठीक है। और ये आपका पेरिस जो समिट हुई थी उसके दौरान हमारे राष्ट्रपति जी और फ्रांस के जो थे ओलांदा जी, उनने मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये इसके बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और
नवंबर 2015 से मतलब ये चल रहा है, मतलब ये स्टार्ट किया गया था। बैसिलस जो एंथ्रेसिस है, एक जैविक हमले में उपयोग किए जाने वाले सबसे संभावित एजेंटों में से एक है। तो भैया ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस है, बैक्टीरिया है, ये किसका कारण बनता है? ये एंथ्रेक्स का कारण बनता है, ठीक है। जो बायोलॉजिकल अटैक है ना, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती है। इससे ए है इसका आंसर, 31 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के बारे में, वॉसेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है ना, ये सब MTCR, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में है, इसका जो स्टेटमेंट दिया, पूछा कौन सा सही। तो पहला लिखा, इट एम्स टू स्टॉप द प्रोलिफरेशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। बिल्कुल सही बात है, एनपीटी वगैरह सुनते होंगे आप, सीटीबीटी वगैरह, न्यूक्लियर वेपन के लिए था। तो केमिकल और जो बायोलॉजिकल वेपन है ना, उसके लिए आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है। दूसरा ये कि भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य नहीं, गलत भैया है, भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य है। तो ओनली वन इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट वन देखेंगे, 33 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें नेम ऑफ एक्सरसाइज है और कंट्रीज लिखी हैं, और इसको क्या करना है अपने को, करेक्टली मैच करना है कि भैया कौन सा करेक्टली मैच है कौन सा नहीं। तो जो गरुण शक्ति वो चीन लिखा है, गलत है, चीन के साथ आपका हैंड इन हैंड होता है। एक्वेरियन जो लिखा है, एक्वेरियन बोलते हैं, मालदीव से, बिल्कुल ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही है, पहला आपका गलत है। तो आप पहले ही एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर मिल जाता है 2 और 4, फिर भी देख लेते हैं। हैंड इन हैंड है ना जो चाइना का, देखिए उल्टा लिखा, गरुण शक्ति आपका इंडोनेशिया का, हैंड इन हैंड जो आपका चाइना का। कुरुक्षेत्र जो लिखा है सिंगापुर, वो आपका बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 2 और 4, ठीक है। जैसे कुछ और भी आपके इसमें से एक्सरसाइज है जिसका आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, जैसे युद्धाभ्यास है यूएसए के साथ होता है, शक्ति की बात करें तो फ्रांस के साथ होता है, मित्र शक्ति की बात करें तो आपका श्रीलंका के साथ होता है। तो आप देख सकते हैं ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, एक चट्टान खनिजों का एक समूह है, बिल्कुल ठीक है, ये चट्टान जो ग्रेनाइट है जितनी कठोर है ना, मतलब मिट्टी जितनी मुलायम हो सकती है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है। एक चट्टान जो पूरी तरीके से एक एकल खनिज प्रजातियों से बना होता है, ठीक है, मतलब ठीक है। और एक चट्टान का एक निश्चित रासायनिक, चट्टान का नहीं होता भैया जो मतलब फिक्स केमिकल फॉर्मूला होता है, ये मिनरल का होता है, ठीक है, मतलब आपका ये गलत दिया गया है, ठीक है। तो डी आपका गलत है, और तो पूछा भी कौन सा है कि कौन सा सही नहीं है, तो डी इसका आंसर होगा, 34th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो लैटेराइट सॉइल के बारे में लिखा हुआ है ये, ठीक है, और इसे पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन करें। तो लैटेराइट जो सॉइल होती है, फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स, बिल्कुल सही बात है पहला। और दूसरा ये है कि इसमें ह्यूमस बहुत होता है, नहीं भैया इसमें ह्यूमस कम होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ऑनली वन ए हो जाएगा इसका आंसर, ज्योग्राफी में ये कोर टॉपिक है आपका। अब देखिए ये जो मतलब महासागर दिए उनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लगा, सबसे पता तो है आपको सबसे बड़ा जो है वो आपका पैसिफिक है, प्रशांत है, और उसके बाद आपका प्रशांत के बाद अटलांटिक, देन अपना इंडियन ओशियन हो गया, और उसके बाद आर्कटिक महासागर है। तो 36 का आपका आंसर बी हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ओजोन गैस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और लिखा है कि जो इसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है वो 20 से 25 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, 12 से अगर अपन माने तो 35 के बीच में बहुत ज़्यादा सांद्रता होती है इसमें, है ना। तो ये हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, और इसका आंसर हो गया जो आपका सी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर का, और इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कौन से जो कारक हैं जो मतलब नहीं फेवर करते हैं किसके लिए, ड्यू के लिए, मतलब ओस बनने के लिए। आपने जब संघनन वगैरह पढ़ा होगा तब आपने इसको पढ़ा होगा। तो पहला जो है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये बिल्कुल ठीक है, ओवरकास्ट स्काई जो है, और तीसरा लिखा शांत वायु लिखा है, और लॉन्ग नाइट्स, देखिए मतलब घने बादल नहीं चाहिए, इसमें स्वच्छ आसमान चाहिए होता है तभी ओस बनता है ना। क्लाइमेटोलॉजी अब जब अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो इसको अच्छे से समग्रता में देखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो नहीं है फेवरेबल जिसमें से कंडीशन, वो ओवरकास्ट स्काई है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 38 का बी। नेक्स्ट वन देखेंगे, 39th नंबर का क्वेश्चन है कि जावा की जो नील घाटी है, और मतलब देखिए जो नील घाटी है जो, और जो आइलैंड जावा है, वो प्राइमरली क्यों इतना ज़्यादा वहाँ पर हाई डेंस पॉपुलेशन है, उसका कारण है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, क्योंकि बहुत उपजाऊ जीन है, तो है ना, बोलते नहीं कि मतलब नील घाटी में सर्वश्रेष्ठ किसकी, नील नदी की देन है, उस हिसाब से देखिएगा उसको, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे अधिक पशुधन कहाँ पर है, तो वो भारत में है, है ना, हमारा भारत फर्स्ट नंबर में है इसमें पशुधन में, लगभग 30.44% जो पशुधन है भारत में है, सेकंड इसमें ब्राज़ील है, और तीसरा आपका चाइना, चौथा यूएसए। नेक्स्ट वन देखेंगे, 41st नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहा है कि करेक्टली मैच करना है इसको, ठीक है, और देखना है कि कौन सा सही है कौन सा
नहीं। तो देखिए गेहूं जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर जहाँ पे बारिश होती वहाँ उगाया जा सकता है, ठीक है। गन्ना 75 से 150, ठीक है। कपास 50 से 100, और चाय जो है आपका 150 से 300। तो वन मतलब सब करेक्टली मैच है। देखिए 1, 2, 3, 4 बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42nd नंबर का, कि संसद की तरह राज्य विधानसभा के 2 सदनों के संयुक्त बैठक में गतिरोध को हल करने का प्रावधान है। देखिए ये गलत है आपका, ठीक है। जब गतिरोध होता है आपको पता है ना, सामान्य जो जनरल विधेयक होते हैं, तो आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन की है किसके लिए, संसद के लिए, राज्यसभा लोकसभा, ऐसा राज्य विधानसभा में नहीं है। तो जो पहला आपका स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, पूछ क्या रहा है कौन सा सही नहीं, तो पहला गलत। दूसरा जो ये है, इन केस ऑफ मनी विल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट एंड राज्यसभा आर सिमिलरली प्लेस, इसका मतलब ये है कि दोनों को मतलब जो आपका हाउस होता है, ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, जहाँ पे सरकार बनती है, जैसे लोकसभा हो गया तो विधानसभा हो गया, तो इनको मनी बिल में ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। ये संविधान वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो दूसरा वाला आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। पहला वाला आपका गलत था, तो ऑनली क्या हो गया, वन, क्योंकि गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42nd नंबर का क्वेश्चन था हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनजीटी से रिलेटेड है, और इसमें पूछ रहा है कि जो श्रमिकों के लिए अवैज्ञानिक और असुरक्षित मतलब है, रैट होल माइनिंग पे प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल ये रैट होल माइनिंग का जो मुद्दा था कहाँ था, करंट अफेयर्स में था, ये आपने सुना होगा, ये मेघालय से रिलेटेड है, और मेघालय इसका आंसर होगा, कंटेक्चुअल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल से रिलेटेड है, और पूछ रहा है कि वो किस राज्य में मतलब कल्चरल डिस्प्ले होता है उसका। तो जो पहला इसमें मणिपुर दिया, दूसरा मेघालय, असम और नागालैंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका हॉर्नबिल का, ठीक है, तो ये नागालैंड से रिलेटेड है। तो 44th का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये जो अपने यहाँ रंगीन पक्षी है कलर्ड, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल बोला जाता है, उन्हीं के नाम पे इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है, और दिसंबर वगैरह में ये होता है। और ये आपका IUCN जो है, आपका IUCN की स्थिति में मतलब IUCN की जो लिस्ट है ना, उसमें जो हॉर्नबिल है, जो पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, वो क्या है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बटलर कमीशन से रिलेटेड है ये, हरकोर्ट बटलर, और बोलते हैं किससे रिलेटेड है, तो ये रियासतों का संबंध था, ठीक है, आपका उससे रिलेटेड, 1927 में इसको बनाया गया था। रियासत और सरकार के बीच जो रिलेशन थे ना, उस वो किस प्रकृति के थे, वो किस नेचर के थे, ये देखने के लिए ये आपका आयोग बनाया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर का, और पूछ रहा भैया कि ये JSPSC जो है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो क्या है, ये स्टैचुरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन स्टैचुरी है, नन ऑफ द, तो ये स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है। 46 का ए हो गया, क्योंकि जो अगर आप स्टेट PCS की बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोग, इसका तो वर्णन है जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें इसका वर्णन है। 312 पढ़ेंगे, मतलब 312 पढ़ेंगे, अखिल भारतीय सेवा है, 314 पढ़ेंगे, 315 पढ़ेंगे, तो ये आपके आयोग से रिलेटेड। लेकिन जो ज्वाइंट स्टेट PSC का है ना, उसके लिए जब दो राज्य अपने आपस में मिलकर संसद से बोलते हैं, तो फिर उससे उसके लिए बनाया जाता है उन प्रावधानों के अंतर्गत, तो ये आपका स्टैचुरी बॉडी है। तो 46 का आंसर हो गया आपका, क्या हो जाएगा, 46 का आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन 47th नंबर का, और इसमें बोल रहा है कि स्टेटमेंट दिया, बोल रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला लिखा, अशोक मेहता समिति ने 3-tier जो पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी, तो ये आपका गलत है, ये बलवंत राय मेहता कमेटी थी। पहला आपका जो स्टेटमेंट है इसमें ये गलत है। दूसरा जो ये पंचायती राज को स्टेबल, मतलब राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेप स्टेट टू इस्टैब्लिश पंचायती राज, मतलब पंचायती राज इस्टैब्लिश करने वाला प्रथम जो था राजस्थान, आपको पता भी होगा कि मतलब अक्टूबर में 1959 में नागौर जिले में, मतलब नागौर जगह से उन्होंने स्टार्ट किया था JLN ने इसको, है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अगले चरण के रूप में पंचायती राज को। लेकिन अगर कभी ये पूछो कि जो अपने यहाँ अमेंडमेंट आया जिससे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर लाया गया PRI को, तो उसके तहत उसको लागू करने वाला प्रथम स्टेट कौन सा था, तो MP था, वो याद रखिएगा आप, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, कि भारत में जो करों का भुगतान है वो क्या है, लीगली बाउंडिंग मतलब ऑब्लिगेशन, वो लीगल है ये, ठीक है, आपको पता है ना उसके खिलाफ वो होता है, तो इसका आंसर क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन, कानूनी, उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है फिर लीगल बेसिस पे, अगर आप कर नहीं पे मतलब पे करेंगे, कर की चोरी करेंगे, ठीक है, आपको पता होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 49th नंबर का, तो NHRC से रिलेटेड है, और इसमें स्टेटमेंट दिया, बोल रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, मतलब चेयरमैन को मिला के, चेयरपर्सन को मिला के, तो जो मतलब 1+4 मान सकते हैं, तो जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपका ये मस्ट है कि रिटायर्ड जो होते हैं ना आपके, कौन, CJI, वही होने चाहिए, और बाकी फिर 4 अन्य सदस्य होते हैं, उसमें 4 जो है आपके वो भी होते हैं, मतलब
पदेन सदस्य भी होते हैं, जो जैसे अल्पसंख्यक आयोग हो गया, मतलब इन सब से भी एक एक सदस्य, महिला आयोग हो गया, तो इन सब में से ही एक एक होते हैं। तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है भैया, एक्ट लाया गया है ये, ठीक है, 1993 से फिर इसको वो किया गया है, तो ये आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। और इसकी जो कार्य की प्रकृति है वो एडवाइजरी, इसलिए बोलते हैं कि भैया बिना दांत वाला, बिना नाखून वाला शेर है ये, ठीक है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका हो गया 49 का सी। नेक्स्ट वन देखेंगे, 50th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको, तो ये आपको पता है कि संसद के पास है, आपने आर्टिकल 248-249 पढ़ा होगा, और ये बिल्कुल सही बात है, यूनियन पार्लियामेंट ओनली। तो 50 का आपका हो गया बी, सेंटर स्टेट रिलेशन जब अपन ने पढ़ा था, तो अपन ने पढ़ा था पॉलिटी वाली सीरीज में इसको, तो इसका आंसर हो गया 50 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का, और इसमें नीति आयोग के बारे में स्टेटमेंट है, पूछ रहे हैं कि भैया कौन सा सही है, तो पहला बोल रहा है कि ये संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो पहला आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा लिखा है कि जो नीति आयोग के जो फुल टाइम मेंबर्स है ना, उसको रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, उसको रिकॉग्नाइज भी किया था, है ना, ये बताया था उन्होंने, तो ये ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52nd नंबर का, कि वाणिज्यिक खेती के लिए जो अनुमोदित एकमात्र जेनेटिक कौन सी क्रॉप है, वो कौन सी, आपको पता है, वो बीटी कॉटन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो 52 का इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53rd नंबर का क्वेश्चन है, और इसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज फॉर सीजनल वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे, ठीक है, लेंथ के लिए आपको पता है ना कि जैसे सूरज की अपनी स्थिति के कारण बोलते हैं नॉर्थवर्ड हो रहा है, और मतलब दक्षिणायन उत्तरायण आपको पता होगा ना, 21 जून है, 22 सितंबर है, तो इक्विनॉक्स होता है, क्या होता है, उत्तरायण होता है, उत्तर में फिर गर्मी हो जाएगी, दक्षिण में ठंडी हो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, तो इसमें पूछा है सीजनल वेरिएशन के लिए कौन सा कारण नहीं है, तो देखिए पृथ्वी की अक्षा का जो कक्षा का अंडाकार आकार है ना, इलिप्टिकल वाला जो शेप है आपका, ठीक है, ये नहीं है इसका कारण। दूसरा लिखा है कि रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑन इट्स ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, तो ये बाकी हैं बी सी डी, पहला जो है इसका ऑप्शन वो नहीं होना चाहिए इसका, और इसका आंसर होगा 53 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54th नंबर का, इसमें कबीरदास जी के बारे में स्टेटमेंट दिया, बोला कौन सा सही है, तो ये निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे, आपको पता ही है, हठ योग साधना, और दूसरा जो था ये गुरु नानक के समकालीन थे, ये भी ठीक है, और इनका जो मतलब मकबरा वगैरह है, समाधि जो है कहाँ पर है, वाराणसी में, नहीं भैया इन्होंने इस बात को जुटलाया था, यही देखा था, ये मगहर चले गए थे अपने अंतिम समय में, तो तीसरा आपका स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2 सही है, तो 54 का जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55th नंबर का, और इसमें पूछ रहा है कि जो प्रियम्बल है हमारे, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया, बोला कि भैया बताओ कि कौन से सही है, तो पहला ये कि ये उद्देश्य संकल्प पर आधारित था, बिल्कुल ठीक बात है, जो हमारा प्रियम्बल है उसी में हमारे संविधान का पूरा दर्शन है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो 44th अमेंडमेंट जब हुआ था तो बोल रहा है कि 1973 नए शब्द जोड़ गए, तो पहले तो ये 42nd अमेंडमेंट है 1976 का, और उसमें से जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, तो ये 42nd अमेंडमेंट था, तो आपका ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली 1 मतलब इसका आंसर क्या हो गया 55 का ए हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन 56 नंबर को क्वेश्चन है, इसमें जुडिशियल रिव्यू को लेके स्टेटमेंट है, वो पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो पहला ये है कि इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो लिखा है बिल्कुल ठीक है, ऐसा कर सकता है कि जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये गलत है, ठीक है, आपका ये आपका रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है, किस पे है, रूल ऑफ लॉ पे, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना। तीसरा जो है आपका कि जुडिशियल रिव्यू इज प्रीवेलेंट बोथ इन इंडिया एंड यूएसए, ठीक बात है, वहीं से लिया ही गया ये, और जो आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वहीं पे डेफिनेशन, जो आर्टिकल 13(1) और आर्टिकल 13(2) है, तो उसी से ये डिराइव किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया ना कि कोई भी अगर ऐसा कुछ प्रावधान हो गया जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो, या उस सीमा तक मतलब उसको वायलेट कर रहा हो, तो अगर वो पूरा का पूरा प्रावधान वायलेट कर रहा होगा तो उसको स्क्रैप कर देंगे, हटा देंगे, नहीं तो उतने पार्ट को हटा देंगे जिससे वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा फंडामेंटल राइट्स से, तो आपका गलत कथन पूछ रहा था, तो जो इसका बी ऑप्शन है वो गलत है, तो 56 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 57 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें गवर्नर से रिलेटेड आपके स्टेटमेंट बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, वो पूछ रहा है ही मे रिजर्व अ बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है, ये आर्टिकल 200
में दिया गया, क्लॉज थ्री जो आप देखेंगे आर्टिकल 200 में दिया गया, और जो दूसरा है वो राज्य सरकार को संवैधानिक प्रमुख है वो भी ठीक है, और ही में भी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट्स, ये भी प्रावधान है। तीसरा ये कि थर्ड शेड्यूल कंटेन्स द ओथ ऑफ द गवर्नर, नहीं है भैया ये 159 नंबर का आर्टिकल है जहाँ पर ओथ के बारे में उनके क्या है बात की गई है, किसके, राज्यपाल के। तो आपका ये गलत है आपका, बस तो डी इसका आंसर हो जाएगा, सही नहीं पूछ रहा था तो इसलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर का, और इसे पूछ रहा है कि कौन सा हिस्सा है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा 1973 का जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाला वाद था, वहां से सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो उसी के ये पूछ रहा है कि उसमें कौन कौन से शामिल है। तो पहला बोल रहा है सेक्युलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक बात है, वेलफेयर स्टेट हो गया आपका, रूल ऑफ लॉ हो गया आपका, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें मीजल्स के बारे में, खसरा के बारे में कथन दिया गया है, स्टेटमेंट्स पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला ये कि ये हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज है, आपको ये पता है, बिल्कुल ठीक है, और ये जो है ये माल नरीज जो और वो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको ज्यादा अटैक करता है, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है, तो 59 का आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60th नंबर का, 60 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसमें ये पूछ रहा है कि IMF द्वारा जो शर्तें रखी गई थी ना, जो मतलब प्रावधान दिए गए थे 1991 में, जब हमारे यहां बैलेंस ऑफ पेमेंट का BOP का क्राइसिस हो गया था, तो भैया ऐसे कौन कौन से सुधार के लिए उनने बोला था, तो उनमें बताना कि कौन कौन से थे। पहला कि डिवैल्यूएशन ऑफ द रूपी, दूसरा लिखा था कि ड्रास्टिक रिडक्शन इन द पीक इंपोर्ट ट्रैफिक, सही बात है, अब ओपन इकोनॉमी की तरफ अपन आगे बढ़ रहे थे, तो दोनों के दोनों सही है इसमें, और 60 का आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ सी। और आपका 61st नंबर का क्वेश्चन है, RBI से रिलेटेड है, और स्टेटमेंट दिया, पूछा कौन सा सही है, तो जो नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था RBI का, वो आपको पता है 1949 में था, और एक्ट जो था 1934 का है RBI एक्ट, वो याद रखिएगा। RBI का भैया मतलब ऑब्लिगेशन क्या है, तो ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, ये भी ठीक है। RBI जो है एक्ट एज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन ऑल मॉनेटरी एंड बैंकिंग मैटर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसमें इसका आंसर होना चाहिए 61 का जो है आपका ए हो गया आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 62nd नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कोर इन्फ्लेशन पूछ रहा है, और ये डेफिनेशन ही होती है कि जो टोटल इन्फ्लेशन होता है ना विद इन द मतलब विद इन इकॉनमी किसी अर्थव्यवस्था में, तो उसमें एक्सक्लूड कर दीजिए आप फूड और एनर्जी को, तो देखिए कहाँ पर ये, तो आपका दूसरा जो खाद्य और ऊर्जा सहित एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति, पहला जो टोटल इन्फ्लेशन ऑफ द कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर विद इन एन इकॉनमी, ये नहीं है, थर्ड जो है टोटल इन्फ्लेशन विद एन मतलब विद एन इकॉनमी एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसी मुद्रास्फीति जो अर्थव्यवस्था के साथ जो टोटल मुद्रास्फीति है उसमें भोजन और ऊर्जा को आप छोड़ दें तो शेष को मिला के निकाली जाती है इन्फ्लेशन, उसको बोला जाता है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है ना। आपने हेडलाइन इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन पढ़ा होगा, उसी में से है ये, तो 62 का आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63rd नंबर का, और इसमें PM किसान जो योजना है उससे रिलेटेड है, और पहला स्टेटमेंट है कि सेंट्रली मतलब स्पॉन्सर्ड है, केंद्रीय मतलब प्रायोजित है, नहीं भैया केंद्रीय क्षेत्रक इसको मतलब सेक्टर सेंट्रल सेक्टर बोलते हैं, 100% फंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा ये कि जो इसका एम है सप्लीमेंटिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स थ्रू DBT, देखिए स्मॉल एंड मीडियम नहीं है, ठीक है, ये लघु और सीमांत किसान के लिए है, ठीक है, मीडियम वालों के लिए नहीं है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स के लिए है और स्मॉल फार्मर्स के लिए, तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका गलत है, सही उत्तर चुनना था, तो कोई भी सही नहीं है, नाइदर वन नॉर टू, डी इसका आंसर हो जाएगा, 63 का आपका डी आंसर है। नेक्स्ट वन देखेंगे, 64th नंबर का क्वेश्चन है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सीधे मतलब आपका ये डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है कि क्या होता है रुपए को सोने में बदलने में सक्षम होना, नहीं है भैया, रुपए का मूल्य जो बाजार की ताकतों द्वारा तय किया जाता है ऐसा नहीं है, ये तो फ्लोटिंग और फिक्स्ड वाली बात हो गई जो कन्वर्टेबिलिटी। तीसरा ये स्वतंत्र रूप से अन्य मुद्राओं के लिए रुपए के रूपांतरण की अनुमति देता, और इसका वाइस वर्सा मतलब उसी की तरह उल्टा भी, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जेंस ऑफ रूपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, इसका आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65th नंबर का, इसमें स्टेटमेंट दिया है, पूछा कौन सा सही, तो GDP जो है इज द वैल्यू ऑफ अ नेशंस फाइनल डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक बात है। दूसरा जो है GNP इज द वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज ओन्ड बाई अ कंट्रीज रेसिडेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका सी आंसर 1 एंड 2। और 66 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है, और इसमें पूछा फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, तो भैया
नॉर्मल अगर आप लैंग्वेज में बात करेंगे तो जितनी आय है उससे ज़्यादा व्यय हो जाए तो राजकोषीय घाटा बोला जाता है। राजकोषीय मतलब उनको लॉस हो रहा है, तो उस घाटे को सप्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, बाजार से मार्केट से क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। वही इसकी एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव्स लेस बोरोइंग, तो मतलब ये जो इसका आंसर जाएगा सी हो जाएगा, है ना। उसी को पूरा करने के लिए वो मार्केट से पैसा लेते हैं, उसी को बोलते हैं घाटे में है इतना, ठीक है। तो 66 का सी हो गया आंसर। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, भारत में जो प्रति व्यक्ति आय थी जो 1867-68 में सबसे पहली बार किसी ने पता लगाया था, तो वो दादा भाई नौरोजी जी थे भैया, उन्होंने बताया था 20 रुपये थी उस समय प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो 67 का आपका आंसर हो गया, आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कंटेक्चुअल है, याद रखिएगा। बैंकों को हाथ में जो मतलब द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स, मतलब उसके रेशियो में, एसेट्स के रेशियो में रखना पड़ता है कुछ पैसा, कि एकदम से आ गए तो फॉल आउट ना हो जाए, जैसे कि आपका 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था वैश्विक आधार पे, है ना, जो लेमन ब्रदर्स यूएसए में मतलब फेल हो गए थे उसके कारण, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, बेसल्स नॉर्म्स में ये रखा गया, तो कुछ जो पार्ट्स हैं वो आपको रखना ही पड़ेगा, किसके लिए, ताकि बैंक फेल ना हो। तो ये आपका क्या है, सेंट्रल लिक्विड रिजर्व मतलब, और रेपो रेट, वैधानिक बैंक, स्टैचुरी बैंक रेशियो, तो ये SLR की बात कर रहा है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, और CRR वगैरह भी आपने सुना होगा, तो डी है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर का, इसमें पूछ रहा है कि पंचवर्षीय योजनाएं में से ऐसी कौन सी योजना थी जिनमें विकास प्रयासों के मूल रूप में सबसे पहले ह्यूमन जो आपका डेवलपमेंट है उसको मान्यता दी गई। तो पांचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ये आठवीं आपकी 1991 के बाद 92 से 97 के लिए जो 8th नंबर की आपकी पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये लिया गया था प्रावधान। तो इसका आंसर क्या हो गया, 69 का आपको हो गया डी आंसर हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे, 70th नंबर का क्वेश्चन है, 70वें नंबर का, उसमें बोला है कि बजट 2017 में जो फाइनेंस बिल का सेक्शन 269ST था प्रोहिबिट्स कैश ट्रांजेक्शन ऑफ, मतलब कैश ट्रांजेक्शन में लिमिट लगाए थे ना कि भैया एक दिन में 2 लाख से और उससे ऊपर का आप ट्रांजेक्शन करेंगे, तो उस पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। तो वो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 70 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 71st नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि देयर आर 14 जोन्स ऑफ ट्रेड टैक्स इन यूपी, ठीक बात है। दूसरा लिखा है कि यूपी जो वैट है वॉज लेवीड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2008, ये भी ठीक है। तीसरा लिखा है इन यूपी मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आर इंगेज्ड इन सर्विस फील्ड, ऐसा नहीं है, ये एग्रीकल्चरल, वैसे भी आपको पता है कि ये कौन सा नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया, यहाँ कृषि सबसे ज़्यादा मतलब संलग्न लोग यहाँ पर हैं, तो यूपी में जो मैक्सिमम लोग हैं वो कृषि से रिलेटेड 59 के अराउंड जो परसेंटेज है ना वो इसमें संलग्न है, 59.3 है परसेंट लोग जो है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा हैं जो पॉपुलेशन सेंसस जो है आपका 2011 उसके हिसाब से, तो तीसरा आप एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी दो सही है, तो बी आंसर हो गया 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72nd नंबर का, और स्टेटमेंट दिया, बोल रहा है कि कौन सा सही है। पहला लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 1st नंबर में, नहीं है भैया उत्तर प्रदेश आपका नहीं, पहले नंबर पर आपका राजस्थान है, दूसरे नंबर पे आपका एमपी है मतलब एरिया वाइज, तीसरा आपका महाराष्ट्र हो गया, 4th नंबर पे आपका यूपी आता है। और अगर यूपी की साक्षरता दर की बात करें तो 67.7% है, ये सब जो डेटा आपका 2011 के जो सेंसस है उसके आधार पे, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इसके क्या है रॉन्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर 1 एंड नॉर 2, 72 का डी। 73rd नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछ रहा है कि जो कुशाणा जो पीरियड था उसके दौरान ऐसा कौन सा मतलब ऐसी कौन सी कला थी जो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई उस समय, है ना, मूर्तियों के निर्माण के लिए केंद्र कौन सा था उस टाइम पे, कौन सा डेवलप हुआ ऐसा स्टाइल, तो वो मथुरा है आपका, जब गांधार और मथुरा शैली पर, तो मथुरा शैली है, मथुरा ही उसका केंद्र था इसलिए मथुरा शैली नाम भी पड़ा। तो 73rd का आपका ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, 74th नंबर का क्वेश्चन है, आगरा के बारे में स्टेटमेंट दिया, बताना है कि कौन सा सही है। पहला, आगरा की स्थापना 1506 में सिकंदर लोदी ने की थी, बिल्कुल ठीक है। आगरा मुगल कौलान मतलब जो मुगल पीरियड था उसके दौरान जो एजुकेशन का मेन सेंटर था शिक्षा का, ये भी ठीक है। मुगल कौलान जो मुगल काल के दौरान आगरा के आसपास के क्षेत्र में इंडिगो की खेती की जाती थी, ये भी ठीक है। और नूरजहां ने आगरा में एतमौदौला का मकबरा बनाया था, जो आपका भारत में फर्स्ट कंप्लीट मार्बल बिल्डिंग थी। तो 1, 2, 3, 4 ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 75th नंबर का, ये CPI से रिलेटेड है, जो मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसका जो पहला सम्मिट हुआ था, पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था वो सम्मिट, है ना, दिसंबर 1925 में, तो ये आपका कानपुर में हुआ था, इसको याद रखिएगा। 75 का जो आंसर है आपका वो सी होगा, कानपुर,
ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का, और ये यूपी के कुछ जगहों के नाम दिए गए और उद्योग के कि उससे सही मिलान करना है। फिरोजाबाद चूड़िया बिल्कुल ठीक है, सोनभद्र मैनचेस्टर नहीं, ये उल्टा दिया है। सोनभद्र जो है आपका ये रेणुकूट वाला एरिया हिंडालको है, वहाँ पर एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, कानपुर को मतलब मैनचेस्टर बोला जाता है। तो आपका फर्स्ट केवल जो है करेक्टली मैच्ड है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन 77 नंबर का क्वेश्चन है, और ये इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहा है, आईएससी की, जो आर्टिकल 263 आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हैं। तो ये आपको पता है कि फेडरल स्ट्रक्चर को मतलब इन्हांस करने के लिए है ये अंतर्राज्यीय परिषद, आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या था, पहला स्थानीय जो प्रोवाइड मेंबरशिप टू मतलब लोकल कस्टमरी बॉडीज, स्थानीय प्रथागत निकायों को सदस्यता प्रदान करना, ऐसा नहीं है। जो दूसरा है योजना आयोग का स्थानापन, नीति आयोग है वो तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थानापन नहीं भैया। चौथा जो लिखा है कि स्टैंडर्ड ऑफ फेडरल प्रोविजन, मतलब संघीय प्रावधानों को मजबूत करने के लिए, ठीक है। 77 का डी, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद निकाय है जो संविधान में उल्लिखित है, ठीक है। और 77 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 का, भारतीय जो सशस्त्र बल है उसके सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स कौन है, आपको पता है राष्ट्रपति हैं। तो 78 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ये आर्टिकल 53 क्लॉज 2 में दिया भी गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं और जो आपके इंस्टीट्यूशन हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनको करेक्टली मैच करना, बताना कौन सा करेक्टली। तो WMO जो है आपका वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वैश्विक मौसम जो संस्थान है, उसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNEP की बात करें तो अफ्रीका में नैरोबी, ठीक है। और जो आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल है ये एम्स्टर्डम है नीदरलैंड में, और यूनेस्को की बात करें अगर अपन तो ये पेरिस में है। तो फोर्थ का आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, मतलब डी का, मतलब जो क्या बोल रहे हैं कि इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है, मिलान करना है इसमें, ठीक है। ये नहीं पूछा कि करेक्टली मैच्ड है, तो मैंने सब बता दिया है और आपको समझ में आ गया। और WMO को मिला दिया, फर्स्ट का आपका क्या हो गया, फोर हो गया। देखिए ए का फोर कहाँ दिया गया, ठीक है। UNEP का आपका नैरो, टू का आपका थ्री, मतलब बी का आपका थ्री हो गया। सी ग्रीन पीस इंटरनेशनल आपका थ्री का क्या हो गया, सी का बी होगा, तो कहाँ है भैया, सी का टू, ठीक है। और यूनेस्को का पेरिस, तो ए इसका आंसर हो गया 79 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, और इसमें 80th नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जो पेटकोक है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है, पेटकोक करंट अफेयर्स में था, और बोल रहा है कि पेटकोक तेल शोधन से प्राप्त एक ठोस कार्बन, ठीक, सही बात है, सॉलिड कार्बन रिच मटेरियल डिराइव फ्रॉम ऑयल रिफाइनिंग, और इट इज़ अ क्लीनर अल्टरनेटिव टू कोल, ये गलत है आपका। तीसरा जो है, और मतलब लिखा हुआ है कि भारत दुनिया में पेटकोक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भैया ये उत्पादक नहीं है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है, हमारे यहाँ इसी को सबसे ज़्यादा यूज़। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है, और दूसरा और तीसरा गलत है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81st नंबर का क्वेश्चन है, मेथेनॉल से रिलेटेड है, और बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है। पहला, इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, ठीक है। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल फ्यूल, बिल्कुल सही बात है। और सिमिलर टू हाइड्रोकार्बन फ्यूल, इट इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, नहीं ये सॉल्यूबल है, तो ये आपका सही नहीं है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है, इट कैन बी ब्लेंडेड विथ एथेनॉल और गैसोलिन, ये बिल्कुल ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आपका सी गलत है क्योंकि ये सॉल्यूबल है वाटर में, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। 81 का आपका हो गया सी, ठीक है, मतलब सॉल्यूबल है इसलिए गलत पूछा था ये, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, 82nd नंबर का क्वेश्चन है, और पूछ रहा है कि बंगाल का जो आतंक के रूप में जाना जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, तो ये वाटर है, मतलब हाइसिंथ बोला जाता है, जलकुंभी है ये, उसको बोला जाता है। करंट में ये न्यूज़ में था, एनवायरमेंट का टॉपिक है, इसलिए यहाँ पर ये फ्रेम किया गया क्वेश्चन, जलकुंभी बी इसका आंसर है, कंटेक्चुअल है, देख जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83rd नंबर का, और इसमें पूछ रहा है कि जो परिवेश पोर्टल है वो किसने बनाया, तो जबकि परिवेश पोर्टल है ना अपने, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हमारे यहाँ बनाया है, MOEFCC ने, ठीक है, कंटेक्चुअल क्वेश्चन है। और देखिए कहाँ पर है, ये मीटी दिया है पहले में, तो IT मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, दूसरा HRD दिया है वो भी नहीं है, तीसरा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एंड चेंज, ये सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाइल्ड लाइफ और कोस्टल जो मतलब एनवायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन्स क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ है, उनके लिए ये पोर्टल डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, और ये आपकी यही कर रही है MOEFCC। 84th नंबर का क्वेश्चन है, ये डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, एबर बोला जा रहा है इसको, ठीक है, एबर नाम है इसका, तो ये किसने किया है, ठीक है, तो ये आपका UAE और सऊदी अरेबिया ने किया है, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर है, बी एंड सी, कंटेक्चुअल है ये क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। दर्लीपली जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर है, ठीक है, तो ये आपका उड़ीसा में है ना,
दर्लीपल्ली जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो किस क्षेत्र में, तो उड़ीसा में है। कंटेक्चुअल है ये भी क्वेश्चन, 86 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें जोखा जो अल हर्थी हैं उन्होंने अपने उपन्यास सेलेस्टियल जो रेटिंग्स के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता है 2019 का, वो पहली अरबी भाषा की लेखिका बनी है। वो हैं कहाँ की, तो वो ओमान की हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का कि जो चागोस जो द्वीप समूह है ना, तो वो किसके बीच में डिस्प्यूट है, तो यूके और मॉरिशस के बीच में, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच में है ये आपका, ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने एक किताब का विमोचन किया, जारी की है, एवरी वोट काउंट्स, तो ये किसकी किताब है, तो नवीन चावला जी की बुक है ये, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, 88 का भी है, नवीन चावला इसका आंसर है। एवरी वोट काउंट्स किसकी बुक है, नवीन चावला की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89th नंबर का, और इसमें पूछा है कि विच कंपनी हैज बीन नेम्ड एज ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर ऑफ फॉर 2019, तो रिलायंस नहीं है, जिंदल स्टील नहीं है, टाटा स्टील, टाटा स्टील का नाम है और टाटा स्टील सही है आपका, तो सी इसका आंसर हो जाएगा आपका, 89 का जो आंसर है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हीलियम के बारे में स्टेटमेंट दिया, बोला है कि भैया बताइए कौन सा सही है, तो वो पहला लिखा है कि हीलियम जो है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है हीलियम ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व, ऐसा भी नहीं है, हाइड्रोजन उससे हल्का है, आपको पता हो पीरियोडिक टेबल वगैरह, हाइड्रोजन एक, हीलियम दो, लिथियम तीन, बेरिलियम चार, बोरान पांच, ठीक है, तो ये पृथ्वी पर बहुत दुर्लभ है आपका, ठीक है, ये आपका सही है कि पृथ्वी पर बहुत दुर्लभ है, तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो बस सही है, दो गलत है, सही पूछा तो ओनली थ्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन कि 91st नंबर का क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड ESZ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के लिए बनाई गई थी कमेटी, तो बोला है कि भैया कौन कौन सी कमेटी की सिफारिश की, गार्डगिल कमेटी 2010 में, कस्तूरी रंगन कमेटी 2012 में, बोथ कमेटीज आर रिलेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट, तो ये आपका सी हो जाएगा आंसर, ए एंड बी दोनों है। 92nd नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक को अब क्या बोला जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है, आपको पता है कि इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है, जो 6th आपका ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था ना, इसको फोर्टालेजा मतलब ब्राजील में आयोजित हुआ था, ये फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन भी उसी के अंतर्गत है, तो ब्रिक्स बैंक बनाया गया, उसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है, NDB बोला जाता है। आधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, 93rd नंबर का क्वेश्चन है, तो पहला ये है कि आधार संख्या जो है UIDAI द्वारा मतलब जारी किया गया 12 डिजिट का रैंडम नंबर है, बिल्कुल ठीक है, ये विश्व स्तर पर अपनी तरह का एकमात्र कार्यक्रम है जो बिल्कुल फ्री में प्रदान किया जा रहा है, ये भी ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो भारत का निवासी हो, उम्र और लिंग के आधार पर स्वेच्छा से आधार नंबर प्राप्त करने के लिए नामांकन कर सकता है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है जो भारत का नागरिक है, और आधार जो है इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, नहीं भैया सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्क्रैप कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं है, सिटीजनशिप के लिए कोई प्रमाण नहीं है, और अब तो ये भी बोल दिया है कि आप अगर चाहें तो मतलब ऐसा नहीं कि अब सिम लेने के लिए आपको आधार देना ही पड़ेगा, कंपलसरी नहीं है वो, ठीक है, तो डी है इसका आंसर जो गलत है, तो 93 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को लेकर, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम बोलते हैं, NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995 का है ये, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल है, तो इसमें एल्डरली भी है, विडोज भी है, डिफरेंटली एबल्ड भी है, बिल्कुल सही बात है, इसमें वो भी फैमिलीज हैं जिनके ब्रेड विनर्स की डेथ हो गई है, जो प्राथमिक कमाने वाला, मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा परिवार है जिसमें पति पत्नी और मतलब छोटा बच्चा है, और अगर पति कमाता और वही खत्म हो गया तो ब्रेड विनर ही खत्म हो गया, तो कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों को शामिल किया गया है। तीसरा अन्नपूर्णा जो स्कीम है वो भी इसके अंतर्गत, बिल्कुल ठीक बात है, ABC तीनों इसमें सही है, तो डी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट्स का फुल फॉर्म पूछा है, और ये संघाई का मतलब एक बॉडी है, और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बोला जाता है, पहला ही आपका स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है, 95 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का, और पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसके फैलने के कारण ये गिर जो नेशनल पार्क है ना, वहाँ शेरों की मौत हो गई, बहुत सारे शेरों की मौत हुई, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसको याद रखिएगा, ये बीमारी जो है अक्सर कुत्तों में भी देखी जाती है, तो ये आपका मुंह पका खुर पका रोग ये नहीं है, फुट एंड माउथ डिसीज़। दूसरा जो है CDP बोलते हैं इसको, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, यही इसका आंसर है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस ही है, याद रखिएगा। तीसरा जो है कासानूर फॉरेस्ट डिसीज़ है, ये आपका मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कासानूर जो है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, ठीक है। नेक्स्ट जो देखेंगे अपन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऐसी कंपनी है जिसने 6 ट्रिलियन से ज़्यादा का मार्केट वैल्यू प्राप्त कर लिया, रिलायंस और TCS के बाद ऐसी तीसरी भारतीय कंपनी बन गई, तो HDFC है भैया, जो रिलायंस और TCS के बाद तीसरी ऐसी कंपनी बन गई जो 6 ट्रिलियन से ज़्यादा का बाजार मूल्य वाली स्थिति प्राप्त कर चुकी है, तो वो आपकी HDFC है, तो 97 का सी हो गया आंसर। और 98 नंबर का क्वेश्चन है जो BBB का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बैंकिंग के संदर्भ में बहुत ईजी है ये, बैंक बोर्ड ब्यूरो है, ठीक है,
है, और बैंक ब्यूरो करता क्या है, तो कर क्या करेगा, PSUs के जो बैंक है अपने, है ना, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उनके जो गवर्नेंस है उसमें सुधार की बात करेगा, है ना, और स्ट्रैटेजिकली जो कैपिटल की मतलब किस तरीके से इन्हांस कर रहे हैं, किस तरीके से मोबिलाइज करना है उसके लिए काम करेगा। फिर जो सरकारी स्वामित्व वाले बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो उनके मुख्य होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनके किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसकी वो काम करेगा। 99th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें लगातार घटने लगती है तो बोलते हैं कि इसको क्या बोला जाता है। देखिए, जब बढ़ने लगती है तो बोलते हैं अपन महंगाई बढ़ गई, ठीक है। अब डिमांड ही कम हो गई, सामान ज्यादा हो गया, तो उसको बोलते हैं आपको डिफ्लेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन का उल्टा है वो स्थिति, ठीक है। तो 99 का आपका हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि सरकार रुपए के स्तर को $1 के मुकाबले में अगर 65 है तो उससे 61 कर दे, मतलब और कम कर दिया, तो इसे कहा जाता है, ठीक है, 65 है अब 61 कर दिया अगर, है ना, तो क्या किया, अवमूल्यन कर दिया उसका, ठीक है, मतलब सरकार द्वारा जानबूझ के कटौती की गई है, डिवेल्युएशन बोलते हैं इसको, और चाइना करता है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमी है, तो इसलिए। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट वीडियो में अपन 21st नंबर का टेस्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।